ऑल राइट गाइस, तो आई होप आप सभी ने ये जो मैं डिस्क्लेमर हमेशा आपको बताता हूँ वो पढ़ लिया होगा। पढ़ने में तो कहाँ आया होगा, देख लिया होगा। जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो एक बार वापस से वीडियो को रीस्टार्ट करके पॉज करके जरूर से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। फिलहाल Q&A सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का Q&A सेशन थोड़ा सा छोटा होने वाला है बिकॉज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज, ठीक है। तो Q&A सेशन को थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, जल्दी से कवर कर लेते हैं। डॉगी कॉइन डॉज कॉइन की अभी थोड़ा सा हाल देख लेते हैं। 44, 45, 46, 47 इसी के बीच में स्ट्रगल कर रहा है। 24 घंटे की अगर बात करूं तो 47.23 इतनी इसकी हाईएस्ट प्राइस गई थी। और अगर मैं ट्वीट्स की बात करूं तो जैसा मैं सुबह आपको बता ही रहा था कि डेविड स्पेड ये एक अमेरिकन टीवी एक्टर हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि SNL के ये 1990 के मेंबर थे या कास्ट थे, तो इनको SNL में क्या चल रहा होगा ये पता होगा। इन्होंने ट्वीट किया है, आई वंडर इफ इलोन मस्क ऑन SNL विल बी अ 90-मिनट इन्फॉर्मेशन फॉर डॉग कॉइन बाइंग इट एज वी स्पीक। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत अचंभा होगा कि अगर एलोन मस्क SNL में 90 मिनट के इन्फॉर्मेशन में डॉग के ऊपर बात करेंगे कुछ ऐसा ही। और इसके ऊपर काफी बड़े बड़े वेरीफाई अकाउंट ने रीट्वीट किया है और जो सबसे मेन रीट्वीट है वो एलोन मस्क का खुद का ही है। इन्होंने हंसते हुए कुछ इमोजी लगाए हैं, मुझे अभी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चल गए। अब दूसरे ट्वीट के ऊपर चलते हैं। अब इसको ट्वीट को आप किस तरीके से लेंगे ये आपके ऊपर है। दूसरा जो ट्वीट है वो बाइनेंस के CEO की तरफ से है, आई रिमेंबर एवरीवन वाज टिपिंग एवरीवन एल्स 20,000 डॉग इन 2014 लोल। दूसरा जो इन्होंने ट्वीट किया है ये कल का ट्वीट है, 20,000 डॉग एट द टाइम वाज अराउंड $3 USD इफ यू जस्ट होल्ड। फिर उन्होंने वापस से ट्वीट करके बताया है, डिस्क्लेमर दिया है, आई होल्ड 32 इथेरियम समवेयर एंड आई डोंट होल्ड डॉज। ये इन्होंने ट्वीट किया है। अब तीसरे अगर हम बात करें ट्वीट की, मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बिटकॉइन न्यूज की तरफ से वेरीफाई अकाउंट है, जैसा हम बात कर रहे थे कि यार इस डॉग कॉइन का कोई फंडामेंटल नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें ये बताया गया है काफी वेरीफाई अकाउंट है, 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। डॉग कॉइन हैज रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ये इसने कहा है और इसको आप डिटेल से भी देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा अकाउंट है, ये बिटकॉइन न्यूज करके ये अकाउंट है और वेरीफाई अकाउंट है, 1.1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर है। तो अब मैं आपके कुछ अगर मैं आपको डॉग कॉइन के ऊपर न्यूज के बारे में बताऊं, न्यूज तो इतनी सारी आती रहती है। जो मेन यूट्यूब पर न्यूज चल रही है वो तीन ही है, CNBC टेलीविजन की तरफ से, ABC न्यूज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और एक बिज तक, हमारा जो आज तक का ही एक चैनल है बिज तक, उन्होंने अभी वीडियो लॉन्च किया है, वीडियो अपलोड किया है डॉग कॉइन के बारे में। तो CNBC वालों ने इसके बारे में कहा है कि उस वीडियो का मैं आपको समरी देने की कोशिश करूं तो वो ये है कि डॉग कॉइन की प्राइस किस तरीके से ट्वीट आने के बाद बढ़ती है घटती है उसके ऊपर उन्होंने उस वीडियो में बात करी है। ABC न्यूज ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा, आप खुद उस वीडियो को देख लेना क्योंकि थोड़ा सा मतलब गलत हो जाएगा। बिज तक के ऊपर अगर हम बात करें तो बिज तक इसको अच्छे से प्रमोट कर रहा है। और अगर ओवरऑल न्यूज की अपन बात करें तो जो मेन स्ट्रीम मीडियाज है, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल मीडियाज है, वो सभी डॉग कॉइन को लेकर काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज ही दे रहे हैं। तो ये था, एक बार आप ABC न्यूज ऑस्ट्रेलिया इसको जरूर से चेक कर लेना। अब डायरेक्टली Q&A सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया है वो है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, सीधे में क्वेश्चन को ही पिक कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, विंक बिट और ट्रोन के बारे में बताइए। भैया देखो, मैं इसको डिटेल से अच्छे से समझाना चाहता हूं, फिर भी मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं कि विंक कितना पोटेंशियल कॉइन है। जून में इसके कुछ इवेंट्स आने वाले हैं तो अभी से आप इसमें इन्वेस्ट करके रख लीजिए, पता नहीं इसकी प्राइस कहां तक पहुंच जाए। तो विंक BTT, ट्रोन, XRP और थेटा के अभी जून 2021 में जरूर से एक इवेंट आएगा तो उसको भी आप देख लेना। ये चार मैंने जो कॉइन्स आपको बताए ये इस समय अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं। विंक, BTT, ट्रोन, XRP और थेटा, इनके बारे में एक बार आप जरूर से रिसर्च कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कल इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊं। तो और ट्रोन के ऊपर बात करूं तो जस्टिनसन आपको पता है कौन है, वो खुद इसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इन कॉइन्स के बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप इलोन भैया क्यों बोलते हैं? भाई मैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए और ऐसे ही फ्रेंकली बात करने के लिए इलोन भैया, इलोन मस्क बात करता हूं, ठीक है, इलोन भैया ही बोल के उनको प्रोनाउंस करता हूं, तो कोई गलत तो नहीं है ना भैया बोलना, तो इतना उसको उछालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट कुछ, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, कुछ राय का पहाड़ ही बना देते हैं और ये आपको जानना जरूरी है। मैंने थंबनेल पे भी जो लगाया था वो इस तरीके से, कुछ लोग डॉग फादर का मतलब निकाल रहे हैं कि इलोन डॉग के फादर है, ठीक है, मतलब ये जो डॉग क्रिप्टो करेंसी है इनके फाउंडर हैं, इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था, बाद में छोड़ दिया था, नाम वगैरह नहीं आया था। तो जब तक 8 तारीख नहीं होती है और जब तक जो ये SNL प्रोग्राम है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है तो 70 बातें होती रहेगी, 70 मतलब
निकलता रहेगा, राय का पहाड़, पहाड़ का राय, ये सब कुछ चीज़ें बनती रहेगी। जब तक प्रोग्राम नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी क्लियरली नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुतों ने पूछा है कि भैया ये SNL प्रोग्राम कब आएगा और किस पे टेलीकास्ट होगा। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, ये है कॉमेडी सेंट्रल, जो कि आपको टाटा स्काई पे मिल जाएगा। कॉमेडी सेंट्रल पर आप इसको देख सकते हैं, 9 बजे ये शो आएगा। तो इतना सा सिंपल सा आंसर है, ये कई लोगों ने मुझे बहुत सारे वीडियोस में पूछा है, तो बता दिया। अब SNL प्रोग्राम आएगा कॉमेडी सेंट्रल पर, इसके अलावा आप CNBC टेलीविजन पर भी इसको देख सकते हैं। 9 बजे ये प्रोग्राम आएगा और शायद इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 9 बजे जब ये 8 मई को लॉन्च टेलीकास्ट होगा तो हमें शायद ये 9 तारीख को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देख लेना, मतलब आपको जब भी मिले ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है डॉग फादर से रिलेटेड ही है वापस से। इसका देखो कई लोग अब ये भी मतलब निकाल रहे हैं कि इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो हमारे एलोन मस्क जी हैं, भैया बोलता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है बट फिर भी मैं बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा ही भाई, एलोन भैया जो हैं वो एक्चुअल में एक शिबा डॉग को एडॉप्ट कर लिए हैं या फिर उनको पाल रखे हैं और वो स्टेज पर इस शिबा डॉग के साथ ही आएंगे, मिली के साथ। ये इस तरीके से लोग बातें बना रहे हैं, एग्जैक्ट डॉग फादर का मतलब यही है कि शिबा डॉग को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और उसी डॉग के साथ ये शो में आएंगे। तो फिर से मैं कहूँगा, देखो जब तक शो नहीं टेलीकास्ट होता है बहुत सारी बातें होती रहेंगी डॉग फादर से रिलेटेड, अलग अलग वर्ड को लेकर अलग अलग चीज़ें, जो भी छोटे छोटे क्लू भी मिल रहे हैं ना, टी शर्ट पर ये लिखा है, इन्होंने मास्क पहना है, तो अभी तक बहुत सारी बातें लोगों के मन में आ रही है। फिर से कहूँगा जब तक टेलीकास्ट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो डॉग फादर, डॉग पता नहीं क्या क्या लोग मतलब निकाल रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू बी अ मिलियनर फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। यार ये चीज़ थोड़ा हमें जानने की ज़रूरत है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। कई लोग सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये लगा दूंगा ना तो भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा आने वाले 1 साल में। ये क्रिप्टो करेंसी इतना गुना एक्स भी आपको रिटर्न नहीं देगी कि आप मिलियनर बन जाओगे। पहले तो मुझे ये बताओ आपका मिलियनर का मतलब क्या है। 1 मिलियन होता है 7 करोड़, अगर USDT की बात करूं, मैं USD की बात करूं, इंडियन के हिसाब से बात करूं तो 10 लाख को ही मिलियनर बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर अपन मिलियनर की बात लेके चलें तो एग्जैक्ट यही होगा कि 7 करोड़ वाला मिलियनर। तो यार 7 करोड़ वाला मिलियनर बनने के लिए आपको समय भी चाहिए और आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां मैं ये नहीं कह रहा आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मतलब समझने की कोशिश करो कि जब तक आपने समय नहीं दिया है इस क्रिप्टो करेंसी को तो मिलियन मिलियन के बारे में नहीं सोचा। वो अलग बात होगी, वो एक अलग बात होगी कि आपने इसमें 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, वो एक अलग बात होती है। लोगों ने 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रखा है और सोच रहे हैं कि हम 1-1.5 साल में मिलियनर बन जाएंगे, तो वो आपकी गलत सोच है। मे बी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, देखो कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप 10,000 से डायरेक्ट 7 करोड़ रुपये कमा लोगे। तो ये क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियो पे आया था, मैंने कोशिश करी इसका आंसर देने की, बिकॉज लोग अब भी यही समझ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट रातों रात करोड़पति बना देता। भाई शेयर मार्केट भी आप समझते हो ना, वो भी इतना जल्दी करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है वो शेयर मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिस्की भी है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तो करोड़पति अरबपति की तो हम बात ज़्यादा करेंगे नहीं, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही फिर रिजल्ट मिलता है और समय भी देना पड़ता है। तो आज के Q&A सेशन में इतना ही, कोई भी अगर कमेंट जो भी की क्वेरीज है वो एक बार वापस से कमेंट कर देना, हो सकता है कल की वीडियो में मैं उसको पिक कर लूँ। आज का ये वीडियो छोटा ही था बिकॉज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एपिसोड में, टिल देन बाय बाय।